Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor. And welcome to your computer science class. This is lecture number 38. And today we'll complete that chapter number 5, that is arrays in strings. So in last class, we were discussing about commonly used string functions. Okay? Function kya hota hai? Jo ke aapko ek special kaam deta hai. Theek hai? जो कि किसी एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है वो होता है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टू इंसर्ट लाइब्रेरी फाइल या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इसके अंदर हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें से कुछ कॉमन हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, हमने यूज किया सी इन डॉट गेट, हमने स्ट्रिंग कॉपी यूज किया, हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज किया और कल की क्लास में हमने स्ट्रिंग लेंथ देखा। नाउ वी आर लेफ्ट विद स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन जो कि आज हम स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। और पहले हम रीड आउट कर लेते हैं, देन मैं आपको समझाती हूँ क्या है। स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन कंपेयर्स, ठीक है, CMP here stands for comparison. It compares two strings and returns an integer value based on the result of comparison. This comparison is based on ASCII codes of characters. The general form of string comparison function is string comparison, string 1, string 2. When it is executed, it will compare the first character of string 1 and string 2. If they are the same, it will compare the second pair of characters. The comparison will continue until the characters differ or a terminating null character is reached. During comparison, A is considered less than B and B is considered less than C and so on. The string comparison function hai, iska basically kaam hota hai ke स्ट्रिंग्स को कंपेयर करें, करेक्टर्स को कंपेयर करें आपस में। ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है हमारे पास हिबा एंड एक स्ट्रिंग है हमारे पास इजाज, तो ये क्या करेगा, मैं देखिए एक स्ट्रिंग हमारे पास है हिबा और एक है, इसको नीचे लिखती है इजाज, तो ये वन बाय वन पहले एच को और ई को लेगा, इनको आपस में कंपेयर करेगा, देन आई और जे को लेगा, इनको आपस में कंपेयर करेगा, देन बी एंड ए को लेगा, इनको आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है, एंड एट लास्ट ए और जी को लेगा, इनको आपस में कंपेयर करेगा, उसके बाद ये कंपैरिजन छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के एंड में आपको पता है हमारे पास क्या होता है, नल करेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास ये हो ए ए ए और बी ए सॉरी ए ए बी, ठीक है, इधर क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग कंपैरिजन ए और ए को कंपेयर करेगा, देन ए और ए को कंपेयर करेगा और फिर इसको करेगा ए और बी को। जैसे ही ए और बी को कंपेयर करेगा, इसको पता चल जाएगा कि ये दो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता यहाँ पे बल्कि सॉरी ये एच और ई कंपेयर करेगा, इसको पहली बार ही डिफरेंस मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ये आगे कंपैरिजन नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास होता ए ए ए ए ए ए, ये दो स्ट्रिंग्स होते एस वन एंड एस टू, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन ए और ए को कंपेयर करता, देन ए और ए को कंपेयर करता, फिर ए और ए को कंपेयर करता, उसके बाद होते नल करेक्टर्स। ठीक है, ये देखता कि नेक्स्ट जो है वो नल करेक्टर है, ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नल करेक्टर के ऊपर
आपके स्ट्रिंग एंड हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली कंपैरिजन कर कैसे कर रहा है, ये इनके ASCII कोड्स को कंपेयर करता है। ASCII कोड क्या होता है? आपके पास एक कोड है जो कि एक रेंज है जो कि आपके हर करेक्टर को दे दी गई है। कीबोर्ड पर जितने भी बटन्स है ना, ठीक है, इन सब के कोई ना कोई ASCII नंबर होता है। ठीक है, इनको ASCII असाइन कर दिए गए हैं। ओके, अब ये ASCII होते क्या है? ए का ASCII, अगर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो इसका ASCII हमें पता है क्या होगा, 65। इस तरह बी का क्या होता है, 6। ये इसी तरह जाता जाता है। और जेड का ASCII हमारे पास होता है 90। ठीक है, ये ASCII कोड्स हर करेक्टर को असाइन कर दिए गए हैं। जो हमारे पास कैपिटल है इसकी रेंज आती है हमारे पास 65 से 90 तक, और जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं ए की जाती है 97, ठीक है, स्मॉल बी होता है 98, और ये जाते हैं 122 तक। इस तरह एक एक का इंक्रीमेंट होता जाता है। ओके, ये कुछ कोड्स हैं, रेंजेस हैं जो डिफाइन कर दी गई हैं आपके कीबोर्ड पे प्रेजेंट हर बटन के लिए। कोई ना कोई कोड असाइन कर दिया गया है। जब आप लोग ए प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, कैपिटल ए, तो बैक एंड पे क्या होता है, एक ASCII कोड जनरेट होता है और वो जाके काम करता है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा या वो सारा काम होगा उसके ASCII कोड के ऊपर होगा। इस ASCII कोड की वजह से पहचाना जाता है कि ए आया। अगर हमारे पास 67 लिखा होगा, ठीक है, 67 ASCII कोड जनरेट होगा, तो वो पता चल जाएगा कि ये सी है, क्योंकि सी को 67 असाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो हर अल्फाबेट को कोई ना कोई ASCII कोड असाइन कर दिया जाता है जिसकी मदद से वो रिकग्नाइज होता है। ओके, तो कंपैरिजन बेसिकली किसकी वजह से हो रहा होता है, ASCII कोड्स की वजह से। अब देखें ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये ए पे 65 है, बी पे 66 है, सी पे 67 है, डी पे ये 68 है। ठीक है, तो ये आगे जाता जाता है 69, 70, 71, 72 और जेड के ऊपर आके ये 90 हो जाते हैं। इसी तरह अगर स्मॉल ए होगा तो ये 97 है, बी के लिए 98 है, सी के लिए 99 है, डी के लिए ये 100 है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट आता जाता है। अब देखें जो बी है वो 66 है, ए 65 है, बी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में जैसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दो स्ट्रिंग्स हैं, एक है ए ए बी और एक है ए ए ए, ये क्या करेगा, पहले ए को ए से कंपेयर करेगा। कंपैरिजन में बेसिकली इनके ASCII कोड्स को कंपेयर करेगा। ओके, अब ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए का ASCII कोड हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें 97। तो ये देखिएगा, इसका भी 97, इसका भी 97, ये सेम है, दोनों के 97 है। आगे चले जाओ, नेक्स्ट को कंपेयर करो। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा ए है, दोनों के 97 है, कहेगा आगे चले जाओ। अब नेक्स्ट है आपके पास, इधर बी है इधर ए है। ठीक है, अब बी का क्या है, 98। ठीक है, अगर ए का 97 है तो बी का 98 है, और अब यहाँ पे ए का दोबारा क्या है, 97। ठीक है, तो बी हो गया ए से बड़ा, 98 इज ग्रेटर देन 97। ठीक है, जो B है वो A से बड़ा है, कंपैरिजन इधर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और कंपैरिजन अब रिटर्न क्या करेगा, द फंक्शन विल रिटर्न द फॉलोइंग इंटीजर वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। इट विल रिटर्न 0 इफ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर द सेम, इट विल रिटर्न 1 इफ स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। तो यहां पे देखें, ये क्या था, स्ट्रिंग 1, इसका 98 आ रहा था,
स्ट्रिंग टू का आपके पास 97 आ रहा था, तो स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब बड़ा होता है तो ये क्या रिटर्न करता है, वन, ठीक है। और जब स्ट्रिंग वन छोटा हो स्ट्रिंग टू से तो ये क्या रिटर्न करता है, माइनस वन। तो इसमें बेसिकली ये फंक्शन आपको क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके रिजल्ट देता है। अगर रिजल्ट में ये जीरो दे तो हमें पता चल जाता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर वन दे तो हमें पता चल जाता है कि जो पहला स्ट्रिंग है वो दूसरे स्ट्रिंग से बड़ा है। और अगर ये हमें माइनस वन दे तो इसका मतलब है कि पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा है। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम हम देखते हैं अब। आई होप आप लोग समझ आ गए होगा कि ASCII कोड्स का कंपैरिजन किस तरह होते हैं। ASCII कोड्स एक रेंज ऑफ कोड्स है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन वो करके रिजल्ट जनरेट करता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। अब आप लोग देखते हैं, सॉरी आईओ स्ट्रीम, अब है आईओ स्ट्रीम। Using namespace std, ये namespace include करवा दी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने iostream.h use किया, ठीक है। क्यों use किया, क्योंकि cout का function हमारे पास use हो रहा है, ठीक है। इसके बाद string.h का function use किया, क्यों use किया, क्योंकि string comparison का function use होना है, ठीक है। दो strings आपस में compare होने हैं। Then लिखा हुआ है यहाँ पे int main, कि main function start हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे बाकी काम होगा। करेक्टर स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू मैंगो, ठीक है। इन्होंने कोई साइज नहीं दिया, डायरेक्टली इसके अंदर मैंगो डाल दिया तो स्ट्रिंग वन का ऑटोमेटिकली साइज बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और एक नल करेक्टर के लिए तो 6। तो जब ये लिखेंगे तो मेमोरी में स्पेस बन जाएगी स्ट्रिंग वन के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास मैंगो लिखा जाएगा और साइज साथ साथ वो डिसाइड करता है, जितना बड़ा है कोई वर्ड तो वो उसके हिसाब से उसको साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हर स्ट्रिंग के एंड में हमारे पास क्या आता है, नल करेक्टर, तो ये इसका साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसने जो उसके आगे लेटर लिखा हुआ है, सॉरी जो वर्ड लिखा हुआ है उसको एडजस्ट करना है जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग टू मैंगो, तो एक और हमारे पास मेमोरी में स्पेस बन जाएगी स्ट्रिंग टू नाम की। इसके अंदर हमारे पास अगेन आ जाएगा मैंगो, एम ए एन जी ओ और नल करेक्टर, ठीक है। हर स्ट्रिंग के एंड में नल करेक्टर लाजमी होता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिंग थ्री पोटैटो, तो मेमोरी में स्पेस बन जाएगी स्ट्रिंग थ्री नाम की और उसके अंदर चला जाएगा पोटैटो। उसका साइज वही होगा क्योंकि साइज डिफाइंड नहीं है कि स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, तो वो जो अल्फा जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आपको एडजस्ट कर लेगा। ये जा रहा है अगेन 0 से 5 तक पोटैटो। और एक हमें चाहिए किसके लिए, एट द एंड नल करेक्टर के लिए, ठीक है। और स्ट्रिंग 4, इसके अंदर चला जाएगा ऑरेंज। एंड एंड में क्या होगा, नल करेक्ट। ये 0 से शुरू हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 0 से शुरू हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब हम लोग स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में बेसिकली करेक्टर एरेस बनती जाती हैं
और इस तरह करके स्टोरेज हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या, चार इन्होंने ले लिए, तीन वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, इनके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली डिक्लेयर किए हैं, मेमोरी में स्पेस बनाई है, अभी कुछ नहीं डाला। आप इन्होंने लिखा x इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग वन में हमारे पास मैंगो है, स्ट्रिंग टू में भी मैंगो है, इसने m को m से कंपेयर किया, सेम था, इनके ASCII कोड्स कंपेयर किए, ठीक है, a और a को कंपेयर किया, n और n के ASCII कोड को कंपेयर किया, g और g के ASCII कोड को कंपेयर किया, 0 और 0 के ASCII कोड को कंपेयर किया, देन इनको आके नल करेक्टर मिल गए। ठीक है, नल करेक्टर मिलता है तो कंपैरिजन रुक जाता है, दोनों सेम थे तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमने यहाँ पे देखा था जीरो, दो स्ट्रिंग सेम है तो ये क्या रिटर्न करते हैं, जीरो। ओके, तो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया जीरो, और ये जीरो जाके किसमें सेव हो गया, इस एक्स में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। स्ट्रिंग कंपैरिजन के बाद ये स्ट्रिंग कंपेयर करके रिजल्ट जनरेट कर देते हैं, तो ये इज इक्वल टू के बाद ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसने जीरो किया, ये इज इक्वल टू क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक्स को एक्स इक्वल टू जीरो लिखा हुआ हो तो क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू जीरो असाइन हो गई है, तो इसके अंदर चला गया जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे सी आउट हुआ है, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू, जो ये वाली चीज एज इट इज लिखी हुई आएगी क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, और इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखा हुआ आएगा, जीरो। तो आउटपुट में लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर न्यू लाइन में आ जाएगा एंड एल लिखा हुआ है, देन होगा वाई इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेरिजन स्ट्रिंग थ्री स्ट्रिंग वन। अब क्या कंपेयर हो रहा है, स्ट्रिंग थ्री और स्ट्रिंग वन, पहला स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्री है, ठीक है, पहला स्ट्रिंग थ्री है, फिर उसके बाद साथ है स्ट्रिंग वन, तो कंपैरिजन होगा आप पोटैटो में और मैंगो में। ठीक है, पी और एम कंपेयर होंगे, ठीक है, ये याद रखना कि स्ट्रिंग थ्री पहले है ये और स्ट्रिंग वन उसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो पी पहले, पी कंपेयर हुआ एम के साथ, अब ये देखेंगे क्या पी एम से बड़ा है, अब देखें पहले कौन सा आता है, एम आता है फिर पी आता है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम पहले आता है देन पी आता है। तो हमने क्या कहा था, रेंज किस तरह है कि पहले की बड़ी है, पहले की छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी आगे बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो जो चीज पहले आती है वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो बड़ी होगी, तो पी लेस देन एम, पी का जो आस्की कोड है वो एम से छोटा है, तो यहीं पे डिफरेंस हो गया, आगे कंपैरिजन रुक जाएगा, पी का जो है आस्की कोड वो क्या है, एम से छोटा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग वन छोटा हो गया किससे, स्ट्रिंग ये वाला स्ट्रिंग थ्री छोटा हो गया स्ट्रिंग वन से, तो जो पहले वाला, जो पहले स्ट्रिंग आ रहा है वो दूसरे से क्या है, छोटा है, तो इट विल रिटर्न माइनस वन इफ स्ट्रिंग वन इज लेस देन स्ट्रिंग टू, जो पहले स्ट्रिंग आ रहा है अगर वो छोटा है तो क्या रिटर्न होगा, माइनस वन। तो यहाँ पे कंपैरिजन के बाद माइनस वन आएगा और ये किस में स्टोर हो रहा है, वाई में, तो वाई में चला गया माइनस वन। ठीक है, और हमारे पास सी आउट हो जाएगा, स्ट्रिंग थ्री इज ग्रे, वेट अ सेकेंड, एल एम एन ओ पी, सॉरी पी बाद में आता है, पी बाद में आता है और एम पहले आता है। ठीक है, जो चीज बाद में आती है वो बड़ी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसका आस्की कोड बड़ा होगा, आस्की कोड की रेंज आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर बता देती हूँ, पी के लिए जो रेंज होती है वो होती है 80, पी के लिए आस्की कोड होता है 80 और एम के लिए आस्की कोड होता है 77। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस 65 66 से आके आप ऐड करते जाए। ठीक है, तो 77 से बड़ा है, जब स्ट्रिंग वन बड़ा होता है स्ट्रिंग टू से तो वो क्या रिटर्न करता है, वन प्लस वन, तो वाई के अंदर
यस तो हो जाएगा वन, सिंपल प्लस वन लिखते हैं या वन लिखते हैं, और हमारे पास सी आउट हो जाएगा स्ट्रिंग थ्री इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग वन, y इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास वाई चीज एज इट इज लिखी भी आएगी और y की जगह लिखा हुआ आ जाएगा वन, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू आएगी. देन कंपैरिजन होगा z इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग फोर. स्ट्रिंग वन में हमारे पास मैंगो है और स्ट्रिंग फोर में हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है, मैंगो और ऑरेंज. पहले हमारे पास मैंगो है, देन हमारे पास ऑरेंज है. अब कंपैरिजन होगा पहले m और o का. m हमारे पास होता है 77, o हमारे पास होता है 79, ठीक है. तो यहाँ पे जो पहला स्ट्रिंग है वो दूसरे से छोटा है. जब हमने देखा था कि जब पहला स्ट्रिंग दूसरे से छोटा हो तो हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं -1, ठीक है. ये जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है ये -1 रिटर्न करेगा और z के अंदर स्टोर कर देगा, तो z में हमारे पास आ जाएगा -1. एंड देन c आउट हो जाएगा स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 4, z इज इक्वल टू -1, ठीक है. तो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल, x इज इक्वल टू 0, स्ट्रिंग 3 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1, y इज इक्वल्स टू 1, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 4, z इज इक्वल्स टू -1. तो ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा. ये m और o को ही कंपेयर करेगा, डिफरेंस आ जाएगा, इसी का रिजल्ट दे देगा, आगे कंपैरिजन रोक देगा, ठीक है. जैसे ही डिफरेंस आए वहीं पे कंपैरिजन रुक जाते हैं. अगर हो a b a c, a b a a c a, ठीक है, तो ये a और a को कंपेयर करेगा, सेम है, आगे मूव करेगा, b और c को कंपेयर करेगा. यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, b का ASCII कोड कुछ और है, c का ASCII कोड कुछ और है, तो यहीं पे डिफरेंस रुक जाएगा, आगे कंपैरिजन नहीं होगा और रिजल्ट देगा. तो ये बहुत एक मुश्किल नहीं था, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.